कुछ नहीं इसलिए तो आई ना मेंबर हूं मैं। अच्छा 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 इनका लॉन के बारे में मुझे आईडिया नहीं था। लॉन था पहले पीछे बहुत बड़ा आपके आपके हाफ वेडिंग वेडिंग के लिए देते थे सब ये हो गया ना जब कोई नहीं पीता तो मुझे वो ब्लैक लेबल एक इतना बड़ा कोई नहीं पी रहा इधर तो कमाल है इतनी देर में थाली बार आने वाली है ये बता दो पहले बस सर 5 बजे क्योंकि सर क्या है ना अभी मेकर होने अच्छा ऑर्डर सर इट इज फ्रेश जस्ट अबाउट व्हेन आई वांट टू कम बैक आई विल आई विल लाइव ऑन टू जस्ट लेट मी गो बहुत सारा दिख रहा है कम ऑन मोराज मेरे सामने रख देना ऐसे लगे मैं अकेला बैठ के खाने वाला हूं बाद में वो अच्छी हो गई वहां वो खाने लग गए व्हाट इज यू डोंट हैव दैट बियर दे नॉट चल दैट इसकी आवाज बहुत प्रेशियस है वाली अच्छा सर थाली आ गई ओहो हिंदू जी वही यार ही ओन्स द प्लेस डैड का नाम एकदम रोशन कर दिया है तारा सिंह थाली आती है लोग इधर जाते हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਗਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ 5 ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ 2 ਹੈਂਡਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕਜ਼ਿਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਆ ਦੋਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਾਹਨ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਬਚਾ ਬੋਲੀ ਜੇ ਬੈਟਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਸੀ ਦੋਰਾ ਦੇਖੋ ਜਨਾ ਦਾ ਪਰਿੰਦਰ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੀ ਖਾਲੀ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸਮੇ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੁਛ ये तो खाल थाली में बैठ के खाने वाली चीज है। ओ माय गॉड स्टार्ट करो भाई। ओ टेक इट अप अरे यार ये लड़की खाएगी और फिर इसको एक साल लगेगा फिट होने में। टेक दिस चैलेंज अप एंड देन लाइन हॉस्पिटल और सब नाइस नाइस रंग शर्मा जी ओखला बहन। ओ माय गॉड लुक एट दिस इट्स ऑसम खाना। मैं टच नहीं करूंगा ये फीमेल है थाली है ना हां मैं कर रहा हूं ये फीमेल है ना थाली तो मैं टच नहीं करूंगा पाजी हम ऐसे लंबा कर आई एम अ ब्राउन बॉय पाजी चीयर्स टू गोलमाल 3.5 किलो इधर 3.5 केजी चीयर्स चीयर्स टू गोलमाल चीयर्स टू गोलमाल लेट्स रॉक विद द दारा सिंह थाली हां जी
ਪਰੀ ਫੋਟੋ 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 ਛੇਤੀ ਹਟ ਜਾਏ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਰੈਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਾਬੂ ਹਾਂ ਟੇਕ ਅ ਫੋਟੋ ਫਰਮ ਦੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੈਸਿਵ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮਾਈ ਆਈਸ ਟੂ ਡਿਡ ਕਮ ਫਰਮ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਆਈ ਲੱਗ ਆਓ ਅਭੀ ਲੋ ਮਾਈ ਆਈਸ ਟੂ ਡਿਡ ਕਮ ਫਰਮ ਯੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਖਾ ਰਹੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇਸਕੇ लाइट लाइट आ रही है बस तो फिर खाना खाओ फिर बहुत ज्यादा है हाँ तो भाई एट लास्ट हम लोग पहुँच गए हैं मिनी पंजाब दारा सिंह थाली का चैलेंज लेने। थाली देख के मैंने सोच लिया है कि आज ये चैलेंज मैं नहीं लूँगा क्योंकि 29 तारीख को मेरा प्ले है और मैं कोकिला बैंड नहीं पहुँचना चाहता, लेकिन एक दिन दो दिन भूखा रहने के बाद मैं आऊँगा और ये थाली मैं ख़त्म करूँगा। क्या लगता है आकाश, बड़ा चांसेस गड़बड़ है। थाली बहुत तगड़ी है, पांच लोग आके साथ में बैठ के फैमिली पूरी मिलके खा सकती है, ये गुड क्वालिटी है। मोबाइल फ़ोन से दूर, इसको खाने लग जाओ तो आधा एक घंटा फ़ोन की टच भी नहीं करेगा आदमी। इट्स माइंड ब्लोइंग, हर चीज़ बहुत टेस्टी लग रही है। मैं खाते खाते इंटरव्यू दूंगा। वाह, ये खा गए फिट है। देखो दो टाइप की थाली है, वो वेजिटेरियन थाली है, ये नॉन वेज थाली है। मेन चीज़ क्या है कि मक्की की रोटी है, सरसों का साग, कोई घुल कर गया क्या? वो देखो सरदार ने घुल कर दिया सरसों का साग और मक्की की रोटी, और साथ में मक्खन, वाइट मक्खन, जो कि मुंबई में मिलना बहुत हार्ड है, वाइट मक्खन, और बहुत सारा यमी यमी खाना है। मुझे लगता है आज खाते रहेंगे, दो चार घंटे लग जाएंगे हमें इसे साफ़ करने में। भाई इन्हें हमारे पिताजी के ऊपर नाम रखा दारा सिंह थाली। लोग सोचते हैं कि दारा सिंह जी बहुत पता नहीं कितना खाते थे, 100 अंडे, बहुत स्टोरियाँ हैं उनकी। जब वो अपनी रेस्लिंग करते थे, जैसे है ना, ये इससे बड़ी चैंपियन थाली और क्या होगा, ये सुपर चैंपियन है। मैंने इतनी बड़ी थाली किधर भी नहीं, थाली इतनी ही होती। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने सारी डिशे डाले। हाँ, 45 आइटम अगर आप ख़त्म करोगे तब आप दारा सिंह थाली चैलेंज जीत सकते हो। मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, एक आदमी ने कंप्लीट किया है, उस आदमी को सलाम। 8 बार ट्राई किया उसने। छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जितना पूरी रात के लिए खाना बनता है सब लोगों के लिए, वो एक थाली में ये ले जाओ और एक रेस्टोरेंट खोलो। एक दाल फ्राई देना लो, रायता देना लो। रायता वायता हाई क्वालिटी का लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। थाली अपने आप में एक रेस्टोरेंट है। हां, मिनी पंजाब में एक मिनी रेस्टोरेंट है। हाँ नहीं, देखो हमारे पास पहलवान जो होते हैं वो बहुत खाना खाते हैं, तो डैड जो हैं दारा सिंह जी, वो इतना ज़्यादा खाना नहीं खाते थे जितना के कई पहलवान खाते थे। हमारा एक टाइगर जोगिंदर सिंह नाम का पहलवान था, अगर ये थाली चैलेंज उनको दिया जाता तो वो 100% जीत जाते, और इन लोगों रोज़ उसको फ्री खिलाना पड़ता क्योंकि उसने रोज़ ही आके बैठ जाना था। वो जब वेट करता था कि ऐसे सब लोग ले लो, तो जैसे बर्तन में इतना चिकन आया है सब लोगों ने डाल लिया, फिर बोले सबने ले लिया जी, बर्तन ही खींच लेते थे और पूरा बर्तन साफ। जब मम्मी ने बोल दिया था कि जब ये जोगिंदर जी हमारे घर पे आएंगे तो मुझे पहले ही वार्निंग कर देना, डबल ट्रिपल चौबल खाना बनाऊंगी, क्योंकि इतना खाना खाते थे। हमारे पुनीत सर, पुनीत को मैं बोलूँगा, पुनीत सर आएंगे, ये थाली चैलेंज कम्प्लीट करेंगे, अकेले जीत के जाएंगे। नन्नी उनकी बीवी है, शायद वो भी कम्प्लीट कर दे पूरा। नन्नी एंड पुनीत पे मेरा भरोसा है,
मैं भी आऊंगा एक दिन दो दिन खाने के बगैर, मैं बोल दिया। अगर वो ये खत्म करेगी उनका नाम नन्नी मत रखना है। नन्नी फिट है एक्स्ट्रा लार्ज, लेकिन वो है देला फूल। लोगों को क्या बताएं? अब ये क्या है? एक खिचड़ी है। वाह, खाओ भी की कर रहे हो? इसलिए रखी है कि जिस दिन आप ये खा लोगे उसके बाद 15 दिन जब आप आईसीयू से बाहर निकलोगे तो यही मिलेगी आपको, अगले 15 दिन यही मिलेगा। भाई ये 5 लोग के लिए है, 5 लोग खाने के लिए ठीक है। और अब चैलेंज जिसको कि कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, कोई कुछ चढ़ता है, तो कई लोग ये भी ट्राई करते हैं। बच्चों का काम नहीं आएगी, बच्चे इसमें सो सकते हैं जितनी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको हमारी साइड में खोलो, लोखंडवाला में आओ, जू में आओ, क्योंकि वरना हमको इतनी दूर आना पड़ेगा, लेकिन ये खाना हमको खींच लाएगा, हमको आना पड़ेगा यहाँ। कमाल है। पर हाँ जी, उन लोग की औकात नहीं है जीतने की। पंजाबी वेल डन विशाल, विशाल तेरा पेट है विशाल। अरे विशाल थाली भी की खत्म उसने, कमाल कर दे। पर विशाल कहाँ है अभी? हिंदुजा हॉस्पिटल में कहाँ है? पहुंच गया घर में? सो रहा, इतना खा लिया कि सो रहा। मुझे तो कबाब अच्छे लगते हैं। आप देखो वह खड्डा हो गया, खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये सोच रहे हैं क्या? आज बहुत खुश है पूरा मिनी पंजाब ग्रुप, खुश है क्योंकि जो दारा सिंह ताली चालू की थी लेजेंड दारा सिंह के नाम से, उनके बेटे आए आज हमारे साथ। तो ये थाली पूरी नॉर्थ इंडियन थाली है, पूरा डेडिकेटेड है दारा सिंह को। तो ये थाली उनके नाम पर रखी थी, आज उनके बेटे आए वो थाली का चैलेंज लेने के लिए। तो पूरा ग्रुप, पूरा परिवार हमारा बहुत खुश है उनको यहाँ इन्वाइट करके। हम लोग विंदु जी का वेट कर रहे थे ताकि वो दारा सिंह जी का नाम पूरा कंप्लीट करें, जो आज उन्होंने आके यहाँ पे हमारे लिए साथ खुशियाँ बांटी, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा स्टाफ, हमारा मिनी पंजाब परिवार बहुत खुश है उसको आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक जना पूरा कर पाया है, उनका नाम विशाल है, वो अंधेरी में रहते हैं। इस थाली के अंदर कंप्लीट मील है, चाट से लेके, स्टार्टर से लेके, वेलकम ड्रिंक से लेके, मेन कोर्स, डेजर्ट, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉर्थ की इस थाली के अंदर हमने नहीं डाली, ऑलमोस्ट सब कुछ डाल दिया है। तो एक कंप्लीट थाली, एक न्यूट्रिशनल थाली यू कैन से। लेजेंड है वो, हमारे इंडिया के लेजेंड है, नॉर्थ के लेजेंड है वो, उनसे बेटर तो कोई और, उनसे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता था।
फ्री है अगर पूरी कंप्लीट कर दी तो। बहुत अच्छा लग रहा है, गोलमाल की टीम हमारे साथ है, इनका प्ले है अभी 28 को, तो जरूर हम देखने जाएंगे साथ में। हम गुड विशेस भी करते हैं, प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली हो, हमारी पूरी गुड विशेस उनके साथ है। अरे थाली, बाप रे बाप, थाली थाली है, इस पे तो बैठ के खाए आदमी, इतनी बड़ी है, या तो मैं रात को सो भी सकता हूँ जब साफ साफ हो जाए तो। लेकिन कमाल है, मतलब ये 40-42 आइटम्स हैं, ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन का खाना है मेरे लिए। और जो आइटम है, क्योंकि मिनी पंजाब से मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है और दारा जी के साथ भी हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना है, बिंदु मेरा बड़ा अजीज़ है, तो दोनों चीज़ें एक साथ मिली हैं, तो मैं ओवर एक्साइटेड। और आज जो हम खाने आए हैं वो स्पेशली ये देखने के लिए आए थे कि इसमें है क्या क्या, मगर अभी हम लोग कोई 8-10 जने हैं और मेरा ख्याल एक थाली ख़त्म नहीं हो पा रही है। सो हैट्स ऑफ टू मिनी पंजाब एंड अथीम जिसने भी ये इंट्रोड्यूस किया है, दारा थाली कमाल है, दारा सिंह थाली, सो ऑल द बेस्ट। जिसने ख़त्म की है वो थाली, मेरा ख्याल है क्या नाम है उनका, मिस्टर विशाल, हाँ, तो बड़े अब तो और भी विशाल काय हो गए होंगे वो इतनी बड़ी थाली खा के। बहुत मज़ा आया, थैंक यू। हाँ भैया, बहुत फेमस हुई है, आई थिंक सबसे फेमस थाली पूरे इंडिया के अंदर दारा सिंह थाली है, और ये दो इंसान हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मिनी पंजाब पवाई ने, ये लेक साइड ने ये स्टार्ट किया, और मुझे लगता है कि बहुत लोग ये चैलेंज लेने आए हैं, आज मैं पहुँचा हूँ ये चैलेंज लेने, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी। पूरी फैमिली साथ में आके खाए तो बेटर है, प्यार बना रहे, मोबाइल फ़ोन से दूर रहें, 2-4 घंटे थाली ख़त्म हो जाएगी। देखो दारा सिंह जी थे वो मतलब सेहत और हेल्थ का एक जो बोलते हैं इंडिया के अंदर एक जो मतलब नंबर वन नाम लिया जाता है कि अपने आप को दारा सिंह समझता है, तो इन लोग ने ऐसा सोच के बनाई कि भाई थाली बनाएं जो ऐसी जो लोग आके देख के ही डर जाएं। दो लोग जब उठा के लाते हैं थाली को, 3.5 किलो की थाली है और आपके पेट में जानी है, तो इट्स नॉट अ जोक। लेकिन कई लोग हैं, एक बहुत ही आदमी कमाल ही है, विशाल करके, वो आई थिंक पूरी थाली खा गया है, इज़ द ओनली पर्सन जिसने ये चैलेंज जीता है, और आज मैं ट्राई करूँगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं विशाल के रिकॉर्ड को बीट कर पाऊँगा। मैं तो आज इतना खुश हूँ, पूरे मिनी पंजाब की ग्रुप की तरफ से, पूरे मिनी पंजाब की फैमिली की तरफ से विंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे रेस्टोरेंट में आए, हमारी शोभा बढ़ाई, हमारी खुशियों में शामिल हुए, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और उनका जो शो आने वाला 29 को, मैं उनके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ, उनका प्रोग्राम सक्सेसफुली हिट हो। गोलमाल। मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ कि इनके पापा के नाम से जो थाली की आज इन्होंने वो आके उसको एक कंप्लीट कर दिया है, हाँ मिशन इनके बगैर तो कंप्लीट होता ही नहीं। देखो भाई, पंजाबी लोग जो हैं वो दारा सिंह जी जो नाम है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, एंड एनीबॉडी इज़ वेलकम। हमारे फादर का नाम जो है, हम चाहते हैं रोशन रहे, अमर रहे, और ये दोनों ने भी उसमें हमारा बहुत साथ दिया है। एक हमारा दोस्त है, वो बहुत देर से मुझे बोल रहा है दारा सिंह दा टाबा करके खोलना है,
वो भी वेलकम है। ऑलवेज रिमेंबर के जो ग्रेट लोग होते हैं उन्हें हमें रिस्पेक्ट और लव से याद करना चाहिए, और जो डैड ने रिस्पेक्ट अर्न किए हम सब उनकी जूती के भी बराबर नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि बस हम सब उन्हें याद रखें, बहुत प्यार दें, और ये दोनों का जो मिशन है मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओ माय गॉड, वो थाली देख के मेरा पेट भर गया। एंड हम यहाँ गोलमाल की टीम के साथ प्रमोट करने आए हैं दारा सिंह जी की थाली, बिकॉज बिंदु इज़ आवर प्रोड्यूसर एंड गोलमाल में बिंदु इज़ मेन हाईलाइट। तो दारा जी की थाली को प्रमोट करने के लिए देखा, और देख के ही तो मैं आई सेड वी तो कांट ईट सो मच, देख के पेट भर गया। सो रॉकेट इज़ डैम गुड, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। यस, जिनको खाने का शौक है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई कैन जस्ट से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। वो तो बोल दिया मैंने मिनी पंजाब में पहली बार आई हूँ और दारा सिंह जी की थाली की वजह से आई हूँ, तो दैट थाली इज इट। थैंक यू। क्या वो तो बोला ना मैंने ऊपर। ओके सो हाय, टुडे टीम गोलमाल इज एट मिनी पंजाब लेक साइड। हम लोग कोशिश कर रहे हैं दारा सिंह थाली खाने की, जो हमसे तो नहीं होगा लेकिन शायद जूनियर दारा सिंह से हो जाएगा। वो भी नहीं कर पाएगा शायद।
So we are going to do a lot of golmaal with that thali. ये थाली खाते हुए ये नहीं पूछना चाहिए कि इसमें क्या था, इसमें पूछना चाहिए ऐसा क्या था जो नहीं था। इतने 40 डिशेस थे और इतना ज़्यादा खाने के बाद भी आधी थाली वापस गई ना, उसके लिए ख़राब लग रहा है। लेकिन मैंने सुना है एक बंदे ने तो ये बेड जीती है, मैं तो उसकी फ़ोटो टांगूंगा घर पे, क्योंकि ये थाली ख़त्म करना फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम पानीपुरी टू थाली टू आखिर में जो स्वीट डिश आता है, ये सच में चैंपियन की थाली है। और दारा सिंह जैसा चैंपियन था, इसे करेक्ट दारा सिंह थाली का नाम दिया है। और हम दोबारा आएंगे अपने कुछ दोस्तों को लेके, जिनको लगता है कि वो बहुत खुराफाती हैं, खा सकते हैं, लेके आता हूँ उनको और देता हूँ उनको ये चैलेंज।